नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल को मुखाग्नि दी। 95 साल की उम्र में 25 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वे पांचवी बार राज्य के सीएम बने थे। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भी बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बादल की अंतिम यात्रा उनके आवास से शुरू की गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लपेटा गया। पारिवारिक सदस्यों ने बादल के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उसे ट्रैक्टर पर रखा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए नजर आए और एक दूसरे को ढांढस बांधते हुए भी नजर आए। जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि उनका व्यक्तित्व सबको प्रभावित करने वाला था। उन्होंने कहा कि समाज में सब लोग सुख शांति और भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। गरीबों की चिंता करना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना, किसानों की चिंता करना, ये उनके स्वभाव में विशेष रूप से शामिल था। नड्डा ने कहा कि उनके बादल से व्यक्तिगत संबंध से वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भी पूर्व मुख्यमंत्री बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सुखबीर सिंह बादल के पास जाकर के उन्हें अपनी संवेदनाएं जताई। बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनीतिक दलों की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बादल के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले कि प्रकाश सिंह बादल को आज अंतिम यात्रा के बाद श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है।